लिसनर्स, वेलकम बैक टू कल्चर कार्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी की, जिसका नाम है जयपुर। तो हम जानते हैं कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जयपुर की बात करें तो इसके फाउंडर थे महाराजा जय सिंह सेकंड, जिन्होंने इस जगह को 45 इयर्स के लिए रूल किया, यानी कि 1699 से 1744 तक। अब बात करें जो इनका पहले कैपिटल था वो था अंबेर, और हम जानते हैं कि उसे उस टाइम मीणा किंग्स जो थे वो रूल किया करते थे। बट उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी सिटी ऑफ विक्ट्री जो कि वो था उससे दूर कुछ दूर एक कैपिटल को एस्टैब्लिश करेंगे, और उसे एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने जो जगह चूज की उसका नाम रखा गया जयपुर। और हम जानते ही हैं कि जैसे कि राजपूताना किंग्स जो भी होते हैं, उन्होंने जब भी किसी सिटी को एस्टैब्लिश किया, जब भी किसी कैपिटल को एस्टैब्लिश किया, तो उन्होंने जो आर्किटेक्चर था उसके ऊपर बहुत वर्क किया था। तो महाराजा जय सिंह सेकंड जो थे, इन्होंने भी बहुत सारे आर्किटेक्चर लेआउट्स के बारे में पढ़ा, इन्होंने बहुत सारी बुक्स को स्टडी किया, और उसके बेसिस पे इन्होंने एक जयपुर का लेआउट तैयार किया, जिसे फाइनली एक फाइनल इमेज दे दिया गया था। अब बात करें महाराजा जय सिंह की, तो वो एक बहुत ही मल्टीफैसेटेड तरीके से सोचने वाले इंसान थे। वो जानते थे कि कल्चर के साथ हमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे जो साइंटिफिक तरीके हैं उनको अप्लाई किया व्हेन ही वाज प्लानिंग द सिटी ऑफ जयपुर। और हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया था इसके ऊपर, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी कंसल्ट किया। उन्होंने बंगाल के एक पंडित थे जिनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य, उन्होंने उनसे भी कंसल्ट किया, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थे एज वेल एज ही वॉज एन आर्किटेक्ट, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजाइज किया। और अगर हम बात करें महाराजा जय सिंह सेकंड की, तो वो भी बहुत ज्यादा शौक रखते थे मैथ्स एज वेल एज आर्किटेक्चर में, इसी वजह से उनके लिए एक सपना बन गया था इस सिटी को प्लान करना। अब बात करें कि विद्याधर भट्टाचार्य जी जो हैं, उन्होंने क्या ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी जो टॉलमी एज वेल एज यूक्लिड की थी, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी बुक पढ़ी जो इंडियन लिटरेचर में थी, और हम देखते हैं कि इसी की वजह से उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस जयपुर के सिटी के कंसेप्चुलाइजेशन में। अब बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी लिटरेचर के ऊपर, हिंदू आर्किटेक्चर के ऊपर, तो उन्होंने इस सिटी को जब बनाया था तो उन्होंने वास्तुशास्त्र को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया था, और उसी के बेसिस के ऊपर ये सब कुछ कंटेम्पलेट करके बनाया गया था। तो हम ये देख सकते हैं कि जो इंडियन आर्किटेक्चर है और बहुत सारे रूलर्स हैं, अगर वो भी किसी सिटी में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसका ग्राउंडर हमें देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आज की डेट में भी हम जयपुर को देखें, जिसे अब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिजाइनेट कर दिया गया है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, और आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो आज की डेट में भी इंटैक्ट हैं, और ये इसका रीजन एक ही है, जो स्ट्रेटजीज और कंटेम्पलेशन उस टाइम के रूलर्स और उनके जो हेल्पर्स थे उन्होंने की थी। अब उस टाइम की बात करें तो उस टाइम जब इतनी अच्छी कंटेम्पलेटेड सिटी बनी थी, तो हम ये देखते थे इट वॉज वे अहेड ऑफ टाइम। उस टाइम की बाकी सिटीज की बात करें तो उनके कंपैरेटिवली इस सिटी में बहुत सारे साइंटिफिक एलिमेंट्स थे, कल्चरल एलिमेंट्स थे, वास्तुशास्त्र के एलिमेंट्स थे, और ये सब एलिमेंट्स इकट्ठे किसी भी सिटी में उस टाइम तक हमें कभी देखने को नहीं मिले। तो इसीलिए उस टाइम इस सिटी को देखने के लिए बहुत से फॉरेन रूलर्स भी आए, और हमने ये देखा कि बहुत सारे रूलर्स ने अपने जो एम्बेसडर्स थे उनको भी भेजा। इसे पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम ये देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो पिंक स्टोन्स के साथ बनाई गई हैं। और बात करें कि जब इसके ऊपर हम देखते हैं कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो मेटल्स और मार्बल हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज बन गई। अब बात करें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो पहला गर्ल्स स्कूल जब यहाँ स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम यहाँ के महाराजा थे महाराजा सवाई सिंह दी सेकेंड, उन्होंने 1867 में एक एक्सक्विजिट गर्ल्स स्कूल को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो हम ये देख सकते हैं कि जो यहाँ के रूलर्स थे वो काफी फॉरवर्ड लुकिंग थे, और वो चाहते थे कि जो जो भी उनके सिटीजन्स हैं उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल पाए और वो अच्छे से एजुकेट हो पाए। वेल, दिस वॉज ऑल अबाउट द सिटी ऑफ जयपुर, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ पता लगा होगा इस वीडियो से। एंड इफ यू वॉन्ट दैट वी शुड ब्रिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस, देन डोंट फॉरगेट टू लीव द नेम ऑफ द टॉपिक इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड वी विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट वेरी सून। On that same note, thank you so much for watching. Don't forget to like and share this video as well as subscribe to our channel. It's a wrap.